नमस्कार, मैं हूं सुनैना चौधरी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी प्रमुख पांच खबरों पर। पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स और अभिनेत्री उशोषी सेन गुप्ता ने लगाया मंचनों पर दुर्व्यवहार का आरोप। उन्होंने अपने साथ हुए अभद्र व्यवहार के बारे में फेसबुक पर पोस्ट भी शेयर किया। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि उशोषी ने साल 2010 में मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता था। फिल्म आर्टिकल 15 फिर विवादों में गिरती नजर आ रही है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने फिल्म को जाति के आधार पर समाज को बांटने वाला और ब्राह्मणों पर अपमान करने वाली बातें और आपत्ति उठाई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने फिल्म के निर्माता निर्देशक को कानूनी नोटिस जारी कर फिल्म से आपत्तिजनक हिस्सा हटाने की मांग की है। इस फिल्म का ट्रेलर 30 मई को रिलीज हुआ था और 28 जून को फिल्म रिलीज होने वाली है। हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने वाले भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने फिर एक बार किया बीसीसीआई की तरफ रुख। हालांकि इस बार मामला थोड़ा अलग है। दरअसल युवराज सिंह ने दुनिया भर के T20 में खेलने के लिए बीसीसीआई से अनुमति मांगी है। इस बात को लेकर बीसीसीआई के एक सूत्र ने मंगलवार को बताया, युवराज सिंह ने सोमवार को बोर्ड को पत्र लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि बोर्ड को उन्हें अनुमति देने में कोई परेशानी होगी। राज्य प्रशासन, श्री अमरनाथ बोर्ड, पुलिस और लखनपुर के अधिकारियों के बीच का तालमेल का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। यात्रियों के लिए लंगर सेवा मंडल के सेवादारों को उन्हें पिछले 48 घंटे से रोककर रखा है। कभी उन्हें अनुमति पत्र नहीं होने की बात कहकर रोका गया, कभी हाईवे पर एक तरफा यातायात का बहाना बनाया गया। रात को वह लखनपुर से बाहर नेशनल हाईवे के किनारे खुले में इंतजार कर रहे थे कि कब उनके लिए गेट खोला जाएगा। वहीं उनसे देर रात को कहा गया कि सुबह 6 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें राज्य में प्रवेश करने दिया जाएगा। पुराने तालाब को पक्का करने की मांग। रामपुर की तहसील के कस्बा गलत में स्थित एक प्राचीन तालाब को लोगों ने पक्का करने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़कें बनने से पहले रामपुर से डींगा आम, दयालाचक, हीरा नगर, कठुआ और पंजाब की तरफ जाने वाली यही एकमात्र पैदल रास्ता है। इस रास्ते के बीच कटु पन्यास स्थान को यात्री एक पड़ाव के रूप में इस्तेमाल करते थे, परंतु सड़क न बनने से लोगों को पैदल चलना बंद हो गया और इस जगह की किसी ने सुध न ली। आने जाने वाले यात्री इस तालाब से ही अपनी प्यास बुझाते थे और पीपल की छाया में विश्राम करते थे।